हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पासपोर्ट डिटेल्स, अगर आप पास कोई नया पासपोर्ट है या फिर आपने पासपोर्ट को रिन्यू कराया है तो उसकी डिटेल्स आप सीफरर प्रोफाइल पे कैसे अपडेट कर सकते हैं। पासपोर्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको शिपिंग पोर्टल जो कि आपका डीजी पोर्टल है उस पर अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपने रिन्यू कराया तो उसको भी अपडेट कर देना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सपायरी डेट ऑफ इशू और नया पासपोर्ट नंबर उसमें अपडेट हो जाता है। इमिग्रेशन में भी इजी रहता है, प्लस कंपनीज को भी अपडेट रहते हैं, कंपनी भी अपडेट रहती है कि हाँ आपने एक नया पासपोर्ट लिया है और आपके उसके अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं। सो आइए जानते हैं पासपोर्ट को अपडेट कैसे करेंगे। फर्स्ट आप गूगल पे जाएंगे, डीजी शिपिंग टाइप करेंगे, फर्स्ट लिंक आपको मिलता है www.dgshipping.gov.in। आप इसको क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे जाएंगे, डीजी शिपिंग का ये पेज है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ई गवर्नेंस, उसको क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो इसमें आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एक नया पेज खुल जाएगा डीजी शिपिंग का। यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। यूजर आईडी आपका इंडोस नंबर है, डीजी पासवर्ड। आप इसको लॉगिन करने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है, लॉगिन करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन में जाना है, सीफेरर, अंडर हेडिंग ऑफ सीफेरर थर्ड ऑप्शन में जाना है, अपडेट सीफेरर प्रोफाइल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका सीफेरर प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका एड्रेस और फिजिकल डिटेल शो कर रहा है। टॉप पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सीफेरर डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिटेल, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट। सो आप डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप सेकेंड ऑप्शन पे देखेंगे रिक्वेस्ट टू एड मोर एंड अपडेट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट डिटेल, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पेज पे आने के बाद आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट टू एड एंड अपडेट पासपोर्ट डिटेल हेडिंग आपको शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर ऑप्शन है, रिक्वेस्ट फॉर एड न्यू पासपोर्ट एंड अपडेट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट। एड न्यू पासपोर्ट, आपने अगर अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया है तो आप एड न्यू पासपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐड किया था और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, वैलिड डेट और फ्रंट साइड और बैक साइड ऑफ पासपोर्ट पीडीएफ फॉर्मेट में क्लीन इमेज होनी चाहिए, आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप कुछ दिन के गैप के बाद आप इसमें सेम जो ये पेज है यहाँ पे आके देख सकते हैं, जैसे कि मुझे शो कर रहा है सेम आपको भी शो करेगा, दैट स्टेटस आपका अप्रूव हो गया है और रिमार्क भी शो करेगा। इफ इन केस कोई इशू आएगा तो यहाँ पे कोई क्वेरी रहेगी तो यहाँ पे ये लोग रिमार्क में मेंशन करेंगे, तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेरी आपको उसका अपडेट देना पड़ेगा उनको, या उस क्वेरी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ऐड सेक्शन है ऐड न्यू पासपोर्ट का। अब अपडेट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट, एग्जिस्टिंग पासपोर्ट में आपको अगर कोई चेंजेस लाने हैं, जैसे इशू डेट, वैलिड डेट या इशू डेट, कोई करेक्शन करने हैं तो वो आप इसमें कर सकते हैं। आपको इसमें अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना होगा और कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद देख सकते हैं ऊपर हेडिंग दे रहा है रिक्वेस्ट फॉर अपडेट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट डिटेल। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डिटेल, एग्जिस्टिंग डिटेल्स है और राइट साइड में एंटर डिटेल टू बी अपडेटेड। पासपोर्ट नंबर इनका रिमार्क में है जो कि चेंज नहीं हो सकता। अदर लाइक इशू डेट, वैलिड डेट और इशू डेट, ये तीनों ऑप्शन ये लोग ने यहाँ पे ब्लैंक रखा हुआ है, तो आप ये तीनों ऑप्शन यहां से चेंज कर सकते हैं और आपको पासपोर्ट अपडेट करना होगा सेम फ्रंट एंड बैक क्लियर इमेज इन पीडीएफ फॉर्मेट। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद सेम आप इसी पेज पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका
जो भी रिक्वेस्ट नंबर है उसका स्टेटस क्या है और अकॉर्डिंगली उसमें रिमार्क क्या है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, ऐड न्यू पासपोर्ट और अपडेट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट का, अपडेट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपने कोई नया पासपोर्ट इशू हुआ तो वो भी अपडेट कर सकते हैं, अगर कोई करेक्शन करना है तो पासपोर्ट में यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स है और आपको अपना पासपोर्ट जरूर यहाँ पे अपडेट कर देना चाहिए, कंपनी और डीजी और आपको तीनों लोग को हेल्पफुल रहता है। और आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू सो मच।